हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नोकिया TA-1299 में चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर फेंक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना चार्जिंग कनेक्टर चेक कर लेना है। अगर चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आप जम्पर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जम्पर करते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं चार्जिंग कनेक्टर में ये जो पहला पॉइंट है यहां से एक जम्पर लगाएंगे, और वो वाला जम्पर ये काले कलर का जो डायोड दिख रहा है इस पर आपको लगा देना है। यहां से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर से हम पहले वाले पॉइंट से एक जम्पर लेंगे, और यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर इस पर आपको नीचे की साइड में लगा देना है। और यहाँ से भी अगर ये चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। तो आपको प्लस वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट से एक जम्पर लेना है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन टांगों वाली ब्लैक कलर की जो आईसी लगी हुई है, इस वाली आईसी पर आपको नीचे से जो दूसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट है ये वाला, इस वाले पॉइंट पर आपको वो जम्पर कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको ग्राउंड का जम्पर जो करना है, इस तरफ से जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से एक जम्पर लेंगे, और उसको आप ग्राउंड में कहीं भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से जम्पर करना है। इस तरह से जम्पर करने पर आपके फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे।